बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं आपको आज के जो डॉलर का और रियाल का रेट है इससे अपडेट कर दूंगा। ये बैकग्राउंड के लिए मैंने शीट बनाई है जी। ऊपर तो मैंने अभी ये यमनी रुमाल डाला हुआ है इसके, तो इसके ऊपर मैं पेपर वॉल वगैरह कुछ लगाऊंगा बैकग्राउंड के लिए खूबसूरत सा। अभी तो मैंने ये शीट ली है और इसको सेटअप मेटअप किया है थोड़ा, स्टैंड वगैरह इसका, तो इंशाल्लाह जो भी होगा आके आपको बैकग्राउंड में ये दिखाई देगी। तो आज के डॉलर और रियाल रेट के मुतालिक बात कर लेते हैं। अगर डॉलर रेट के मुतालिक बात करें, इस तरफ मैं शायद आपको दिखा रहा हूँ, 180 रुपए से तजावज कर चुका है और ये स्टेट बैंक का रेट है जी, और 180 रुपए 7 पैसे हो चुका है। और अगर बाहर ओपन मार्केट की बात करें तो 185 तक का सेल हो रहा है। अभी बात कर लेते हैं रियाल रेट के मुतालिक, जो कि आपको पता ही, डॉलर रेट ऊपर होता है तो रियाल खुद ब खुद ऊपर जाता है, और अभी रियाल रोज ब रोज बढ़ रहा है। यानी कि अगर पिछले 2-3 दिन की बात करें तो 1 रुपए से ज्यादा बढ़ चुका है, 48 प्लस में जा रखा है। लेकिन अभी जो करंट रेट है वो आपको बता दूं, 48.12 है, ठीक है जी। लेकिन बैंकों के हिसाब से अभी आपको थोड़ी तफसील बता देता हूं मैं। अगर फौरी बैंक की बात करें तो आपको 47.07 रुपए मिलेगा, और अगर 10 रियाल की फीस है। और अगर बात करें एसटीसी पे की तो 47.17 रुपए इनका रेट है। तकबील राज्य की बात करें तो 47.09 रुपए रेट है, और वेस्टर्न यूनियन 47.21 रुपए रेट है, इनका रेट बेस्ट है जी। और अगर मनीग्राम की बात करें तो 47.46 रुपए इनका रेट है, और 23 रियाल इनकी फीस है। टैली मनी की बात करें तो आपको 46.10 रुपए मिल जाएगा, इनकी 15 रियाल फीस है। अभी मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से 10 रियाल, 15 रियाल, 23 रियाल, 17 रियाल, ऐसे फीसें होती हैं। अगर अकाउंट पे भेज रखे हैं, आपने पहले से ऐड किया हुआ है, तो फिर उसकी अलग फीस है। अगर आप न्यू भेज रखे हैं उसकी अलग फीस है। अगर आप मोबाइल से भेज रखे हैं तो पहले मोबाइल से पैसे नहीं कटते थे, अभी मोबाइल से भी ये लोग 10 रियाल काट लेते हैं। तो बहरहाल ये अभी का रेट है। करंट रेट तो 48 प्लस में जा चुका है, लेकिन अभी बैंकों के हिसाब से 47 के अराउंड में, यानी कि 47 प्लस में जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले कुछ ही दिनों में ये 48 प्लस में बैंकों का रेट होगा।